मेरा नाम है रवि सर। रवि जी क्या बोलना चाहेंगे, अक्सर आप लोग गुजर देखिए वो गुज्जर नगर की तो 2-3 साल से उस पुल की हालत बहुत खराब है। आज तो वहाँ से आदमी एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। ये महकमे कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं ये महकमे? ये छोड़ो इसको, गुज्जर नगर को छोड़ो, सरवार कॉलोनी में जाके देखो सभी गलियाँ कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कोई कुछ बन रहा है। और कहीं हमारे मोहल्ले में तो मैं 5-6 दिन पहले गया था सुचेतगढ़ की तरफ, वहाँ एक कॉलोनी मोहल्ले में गया, वहाँ पर ट्रेनें लगी हुई हैं और शहर की हालत बुरी है। हैं कहाँ सोए हुए हैं ये? मुझे नहीं लगता कि ये बस वो कुछ वो ही जैसे उन्होंने बोला ना कमीशन वाला चक्कर है, चक्कर कमीशन वाला ही है। वो हर एक आदमी जानता है कि अंदर अंदर से चलता है। डिपार्टमेंट को क्या बोला जाएंगे, सड़कों की हालत कैसी है? कंसर्निंग डिपार्टमेंट आंदा क्या, क्या बोलना उनको, वो आंदे हैं क्या? दिखता नहीं उनको, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, ऐसे ही है ये सब ऐसे ही। तो गुज्जर नगर पुल को कितने साल हो गए आपको देखते हैं? मैं पिछले 3-4 साल से वहाँ देख रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे वहाँ इतना गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो उनको कोई उनको उनको बाप का क्या जाता है, वो तो जब उनको कहीं पीछे से कोई देख होगा ऐसा तो वो कर देंगे अलर्ट, डाल देंगे ऐसे कच्ची मिच की सोलिंग और कर देंगे। जैसे पहले नए पुल पर हुई थी ना वो रबड़ सोलिंग, वो उसकी वैक्स सोलिंग वो चाहिए वहाँ। काकाराम शर्मा। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, जो आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, किस तरीके के रोड जो हैं टूटे हुए हैं उसके लिए क्या बोला जाएंगे सरकार को, किस तरह की रिपेयरिंग या काम होना चाहिए? जो रिपेयरिंग करनी है ये इन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं, उनसे ये कमीशन लेते हैं, इसकी वजह से ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। जो जो खड्डे पड़े रहते हैं वो पड़े रहते हैं, समझे ना मेरा मतलब, ये अपने एजेंट रखे हुए हैं उन्होंने। अगर आम आदमी को दिया जाए ये काम तो देखो रातों रात काम हो जाता है, समझे ना। जैसे अब गुज्जर नगर पुल की हालत देखते हैं, हाँ वही वही वही, वो तो आज की बात हो ना, वो तो कितने दिन पुरानी बात है। वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साले को बोला कि आपका अफसर आ गया है, वो आया था ना हमेशा है, वो आगे खड्डा पड़ा हुआ था उसको पता नहीं चला, वो उसका ये टूट गई है, टांग टूट गई है। अब कंसर्निंग डिपार्टमेंट को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि हमने भी नौकरी की है, 42 साल मैंने फूड सप्लाई में नाइट चौकीदारी की है, 2 साल मैंने सिटी बस में कंडक्टरी की है, 1 साल मैंने आर्मी मेस में नौकरी की है, सतवारी टोपी बंगला। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जगमोहन जैसा गवर्नर होना चाहिए यहाँ पे, जिसने फ्लाई ओवर जी उसकी देन है ये, उसके बगैर ने समझने वाले नहीं है, लातों के बूंद बातों से नहीं मानते, समझे मेरे मां? ठीक सर। अच्छा जी, थैंक यू। आज आप देखें यहाँ पे मैं स्कूटर लेके निकल रहा था तो पुल की हालत देखें आप, क्योंकि पूरा ही टूट गया है, इधर से देखें लास्ट तक आप देखें पुल की हालत बुरी हालत है, यहाँ हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। तो यही हम मेयर साहब से अपील करते हैं, स्मार्ट सिटी अगर आप बता रहे हो तो ये स्मार्ट सिटी की ये हालत देखें आप, खाली बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं होगी, काम करने से स्मार्ट सिटी होगी। क्योंकि आपके सामने काफ़ी बार हम इस पुल पे आगे भी बोल चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी जो सुसाइड पॉइंट बना था उसके लिए भी आज तक कोई इन्होंने तारों का इंतजाम नहीं किया, जो जंगले वगैरह थे उसके लिए हमने इनको बोला था वो भी नहीं किए। आज पुल की ये हालत है, किसी वक्त भी गिर सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ से गुजरते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, DC जम्मू, डिपकॉम जम्मू, ये मेन ब्रिज है जहाँ जम्मू का जो आर पार की ये क्रॉसिंग के लिए रखा गया है, तो उसकी ये हालत है, बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है, जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर किया जाए। अपील करते हैं अगर स्मार्ट सिटी बन रही है तो ये पुल को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए, यही हमारी अपील है। देखिए ये एक तो बारिश की वजह से टूट सकता है तो, मगर कम से कम रिपेयर तो इनका काम है ना, ये भी नहीं है भाई आज के दिन ही टूटा है, ये एक दिन बारिश पड़ने से ये टूट गया है तो इसमें गवर्नमेंट की तो सामने सामने नलायकी साबित हो रही है। अगर ये ठेकेदारों को काम देते हैं तो उनसे काम करना किनका काम है, जेईओ का और AWACN का काम होता है देखना भाई मटेरियल सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो ये जो मटेरियल है वो गलत पड़ा है तो उसी वजह से ये टूटा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, जो रोड वगैरह सारे टूटे हैं, पुलों के रोड देख लो, बाकी देख लो, क्या बोलना चाहेंगे डिपार्टमेंट को? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जो भी ये डिपार्टमेंट है जिसकी जो देखभाल करता है उसको चाहिए कि जो खड्डे पड़े हुए हैं उनको ठीक किया जाए,
जो लोग रात को भी चलते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये हालत ख़राब होने के कारण दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये खड्डे भरने जरूरी है, और सड़कों की हालत ठीक नहीं होती, सड़क हालत ठीक होनी चाहिए। मेरा नाम सर इमरान शेख है। श्री क्या क्या कहेंगे जिस तरह से ये पुल जो बावे वाला पुल है गुजर नगर पुल है, क्या स्थिति है समय इसकी? ये अगर आप देखोगे तो ये गुजर नगर का पुल जो है ये मेन पुल है, क्योंकि इसमें चाहे गांधीनगर से गाड़ियां आती है, रेजिडेंसी रोड से आती है, क्योंकि यहीं से सारी गाड़ियां गुजरती है। आप देखो चाहे मूवमेंट हो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो या कोई मतलब ऐसे कोई भी बड़ा मिनिस्टर आता है वो यहीं से गुजरता है, चाहे मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, कोई भी हो वो यहीं से गुजरते हैं। इसलिए हम मतलब कल की जो बारिश हुई है आप देखो रोड की क्या खस्ता हालत हुई है, इसमें मटेरियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए और इसको ब्लैक टॉपिंग की जाए कि आने वाले प्रॉब्लम में ये कहीं हादसे मतलब हादसों का शिकार ना लोग हो जाए। नगर का रहने वाला हूँ, तो ये जो ब्रिज है यहाँ से आना जाना मतलब पूरे शहर का और जो ऊपर का रोड है नरवाल तक इस यही मतलब शॉर्ट कनेक्शन है। आप देख रहे हैं इस पुल की एक ही बारिश से इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, अगर आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी सफाई वगैरह करा दें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का रश रहता है, कोई गाड़ी वाला गिर सकता है या स्कूटर वाला गिर सकता है तो वो ज़ख्मी हो सकता है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कम से कम इसकी सफाई तो एक दिन इसकी करवा दी जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। अभिषेक क्या बोलना चाहेंगे सड़कों की हालत को लेकर, पुलों की हालत को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सर सड़कों की हालत बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और मैं जैसे कि गुज्जर नगर का देख लीजिए वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें।